नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों जो नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में जो बात बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, ये आप में से बहुत सारे साथियों का सवाल है, इसलिए मुझे ये वीडियो आप सभी के लिए बनाना पड़ रहा है। चलिए तो सीधे वीडियो पर आते हैं, जो साथी नए हैं वही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो साथियों मैं बात करूँ, यदि शपथ पत्र अनुप्रमाणन फॉर्म और मेडिकल प्रमाण पत्र की आखिर इसको आप कब बनवाएं। शुरू करूं मैं मेडिकल प्रमाण पत्र से। तो साथियों जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो उसी ज्वाइनिंग लेटर के बेस पर ही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, किसी भी जो है जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड जो बैठता है वहाँ पर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जाता है। लगभग 5 प्रकार के टेस्ट जो है मेडिकल सर्टिफिकेट में होता है, जिसमें यूरिन से लेकर आँख वाला टेस्ट भी आपको वहाँ पर देना होता है। क्लियर है? तो ज्वाइनिंग लेटर के बाद में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, और जब आप ज्वाइनिंग लेने जाएंगे, चाहे बीईओ में हो चाहे डीईओ में हो, तो आपको मेडिकल प्रमाण पत्र वहाँ पर प्रस्तुत करना होता है। इसका ओरिजिनल कॉपी आपको देना होता है, ठीक है भाई। दूसरा बात करूं मैं यहां पर अनुप्रमाणन फॉर्म की, जिसे पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म का भी नाम दिया गया है। तो अनुप्रमाणन फॉर्म कब बनवाएं? तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सिर्फ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाला जो फॉर्म विभाग द्वारा जारी किया जाता है उसी फॉर्म को भरकर आपको वेरिफिकेशन में जाना है, ठीक है। लेकिन बात करूँ मैं यहाँ पर पुलिस अनुप्रमाणन फॉर्म, तो आप जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, ठीक है भाई, उस स्थिति में आपको पुलिस अनुप्रमाणन फॉर्म बनवाना होता है, ठीक है। इसको भी क्या करता है भाई, विभाग ही जमा करता है। देखिए विभाग को आप इसको अनुप्रमाणन फॉर्म को बना करके आप जो है किसी राजपत्रित अधिकारी का सिग्नेचर करवा के आप दे दोगे, ठीक है। इसके लिए अभी वक्त है, आप अभी से बनवा लीजिए, ठीक है। अनुप्रमाणन फॉर्म को अभी से बनवा लीजिए, और अभी से बनवा के आप जो है वेरिफिकेशन में उसको ले जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर जो है अगर अनुप्रमाणन फॉर्म मांगा जाएगा तो वहाँ पर आपको देना होगा। हालांकि साथियों देखिए, इसमें ज्वाइनिंग लेटर का कोई ये नहीं है कि ज्वाइनिंग लेटर होगा तभी बनेगा, ठीक है। लेकिन मेडिकल प्रमाण पत्र बिना प्रूफ के नहीं बनता। आपकी जिस विभाग में पदस्थापना हुई है आप उसको बताओगे तभी क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन अनुप्रमाणन फॉर्म जो है ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। साथ ही साथ मैं बात करूं यहां पर शपथ पत्र, तो जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, ठीक है, तो उसमें आप शपथ पत्र जब बनवाते हैं तो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा कि मैं विमल कुमार देवांगन, पिता माता उम्र जो भी है, मेरा जो है पद स्थापना शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला जांजगीर में हुआ है। इस तरह से आपको जो है शपथ पत्र में पूरा मेंशन करना होगा। फिर नीचे मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो सत्य एवं सही है, यदि किसी भी प्रकार की जानकारी यदि असत्य पाई जाती है तो मेरी जो पद स्थापना है उसको निरस्त की जा सकती है। इस तरह आप एफिडेविट बनवाओगे, उसके बाद बीओ या डीओ जहां पर भी आप ज्वाइनिंग लोगे वहाँ पर आपको वहाँ क्या करना होगा भाई, सबमिट करना होगा, ठीक है भाई। तो ये जरूरी चीज़ें हैं, 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि लगातार प्रश्न आ रहा था हमें कि इस पर बात कीजिए सर, इस पर एक वीडियो बनाइए सर, इसी वजह से हमको इसको लेकर एक वीडियो बनाना पड़ा है। बात करूँ सर इसमें, देखिए आपका एक और जो निकल कर सामने आती है वो है आपका, देखिए इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, दस्तावेज है जिसकी ज़रूरत तो होती है साथियों। हालांकि जैसे कि मैंने कहा सर्विस बुक की बात, ठीक है, तो सर्विस बुक की मैं यहां पर बात करूं कि आखिर ये जो सर्विस बुक है उसकी ज़रूरत कब पड़ती है। देखिए आपको सर्विस बुक बनवाना है तो आपका सर्विस बुक कब बनेगा, जैसे ही आप जो है विभाग में आ जाते हो, आप ज्वाइनिंग ले लेते हो, ठीक है, शिक्षा विभाग में आपने ज्वाइनिंग ले लिया, ठीक है, जिस दिन आप ज्वाइनिंग लोगे उस दिन आपको सर्विस बुक, जिसे सेवा पुस्तिका भी कहा जाता है, तो सेवा पुस्तिका की आपको 2 सेट लगती है जब ज्वाइनिंग लोगे उसी दिन, ठीक है। दोनों सेट आपको विभाग में जमा करना होगा, बीओ ऑफिस, डीओ ऑफिस, जहां से, देखिए ये आपका होगा कहां जमा, जहां से आपका कहना चाहिए सैलरी बनती है, ठीक है भाई, अर्थात बीओ ऑफिस में आपको ये जमा करना होगा,
ठीक है, आप वहाँ जमा करोगे इसको। यहाँ इसमें क्या होता है, बीओ का सिग्नेचर होगा, आपका जो पदभार की तिथि रहेगी, साथ ही साथ आपकी स्टार्टिंग बेसिक कितना बन रहा है, वो तमाम चीज़ें रहेंगी सर्विस बुक में। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज़ होगा भाई, मैं वो भी बता दूँ, आपका नाम रहेगा, आपके माता पिता का नाम रहेगा। ठीक है, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपने क्या योग्यता लिया हुआ है, पूरा सर्विस बुक में चढ़ाते हैं भाई। देखिए याद रखना, एक बार यदि आपकी योग्यता सर्विस बुक में चढ़ गई, ठीक है, तो उसको मुश्किल से हटता है भाई, तो आप सोच समझ के अपनी योग्यताओं को चढ़ाएं वहाँ पर। ठीक है, तो सर्विस बुक में आपके पूरे घर का, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, ठीक है, ये तो रहेगी। फॉर्म डी भी आपको भरना पड़ता है, ठीक है, साथ ही साथ देखिए नॉमिनीज, अब नॉमिनी में आप किसको भरवा रहे हैं, यदि आप शादीशुदा हैं, मान लीजिए आप अपने वाइफ को नॉमिनीज में भरवा रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, अपने भाई को, अपने माता पिता को नॉमिनीज, अर्थात नॉमिनीज का तात्पर्य है साथियों यहाँ पर, यदि मान लीजिए भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन यदि आपके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, इस ऐसी स्थिति में आपकी नौकरी के हकदार कौन होगा, अनुकंपा नियुक्ति के हकदार कौन होगा, इसी के लिए जो है इसमें नॉमिनी जो है भरा जाता है। ठीक है, तो नॉमिनी की आवश्यकता जो है उसमें पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार की कंप्लीट जो जानकारी आपको फिल करना होगा, ठीक है, इसमें आपका आईडी, पासवर्ड, सभी चीज़ें, सभी प्रकार की जो जानकारी जो है संधारित रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका सर्विस बुक है, आपके जीवन का एक अमूल्य हिस्सा मैं कह सकता हूँ साथियों, जो कि सर्विस बुक होता है, और सर्विस बुक में जिसे सेवा पुस्तिका भी कहा जाता है, इसमें ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ें जिसकी आवश्यकता होती है, वह होती है पदभार ग्रहण प्रतिवेदन। ठीक है, पदभार ग्रहण प्रतिवेदन एक फॉर्म होता है साथियों, और इसी पदभार ग्रहण प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है जब आप बीओ ऑफिस में ज्वाइनिंग लोगे, जब आप अपने स्कूल में ज्वाइनिंग लोगे, जब आप अपने संकुल स्तर पर ज्वाइनिंग लोगे। ठीक है, तो पदभार ग्रहण प्रतिवेदन होता है, उस प्रतिवेदन को आपको भरना होता है, और भरने के बाद में आप जिस स्कूल में ज्वाइनिंग लेने जा रहे हो, आपके ज्वाइनिंग लेटर की एक कॉपी बीओ ऑफिस से दिया हुआ एक कॉपी जो है आपको वहां पर लेके जाना होता है, और आप अपने जिस स्कूल में आपका नाम आया हुआ है, आपको उसी स्कूल में फिर जाके ज्वाइनिंग लेता होता है। वहाँ भी देखो, वहाँ भी एक सेट जो है डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। आप कई जगह में ऐसा भी होता है कि संकुल में भी बुलाया जाता है साथियों, तो संकुल में भी आपका इन दस्तावेजों की एक एक सेट की जो है मांग कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको वहाँ पर देना होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि ज़रूरी बातें हैं, और ज़रूरी बातें भी हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है साथियों, जो कि आप सबके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इनकी ज़रूरत है, और इनको आप बिल्कुल ले के रखिए, बनवा के रखिए। ठीक है, पदभार ग्रहण प्रतिवेदन भी आप उसको रखिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत होती है, और आप भी ज्वाइनिंग के उस स्तर पर खड़े हैं, उस पड़ाव पर खड़े हैं जो कि अंतिम पड़ाव है, और इस पड़ाव में आपको इन तमाम दस्तावेजों की ज़रूरत होगी। आई होप ये वीडियो होगा साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए होंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।